बुक लेकर आ रहा है कुछ ऐसा जो है वक्त से आगे और कल्पना से परे एक ऐसा रण जिसमें नहीं होगा कोई अस्त्र शस्त्र सवालों का होगा प्रहार जीतेगा वही जिसके पास होगा ज्ञान का भंडार होंगे कई योद्धा हो जो खेदना चाहेंगे चक्रव्यूह को करके हर चुनौती को पार होंगे पुरस्कार अपार और जो हर चुनौती को करेगा पार उसी की होगी जय जय कार भूमि है तैयार बस योद्धाओं का है इंतजार हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑल ऑफ यू यू दिस इज अभिनव सिंह योर रीजनिंग मेंटर वेलकमिंग ऑन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और एस एस सी एम टी एस के एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं आप सभी लोग जाकर के अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा अगर किसी का एडमिट कार्ड किसी के रीजन का नहीं डाउनलोड हो रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है विद इन कुछ फ्यू uh, आवर्स या कुछ uh, कल तक मान सकते हैं कि एडमिट कार्ड आप भी अपने रीजन के डाउनलोड कर सकते होंगे तो ठीक है तो एम के एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं तो अब आगे क्या तो अब आगे आप लोगों के लिए दस 10 दिन 10 मॉक ठीक है तो हम लोगों ने पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था कि लास्ट के टेन डेज में हम आप सभी लोगों के लिए मॉक टेस्ट यहां पर डिस्कस करेंगे तो दस दिन दस मॉक ये आपको लगाने ही लगाने भाई तो ये दस पेपर जितने भी बच्चों ने हमारे साथ यहां पर लगा लिए सभी सब्जेक्ट के रीजनिंग के इंग्लिश के मैथ

शायद कोई नया स्टूडेंट जिसको ना पता हो तो देखो भाई डेली फोर पी पे एक हमारा क्लास होता है डेली फोर पी पे रीजनिंग का एक क्लास होता है मंडे टू फ्राइडे हाँ और एक और क्लास होता है आपका रात में आठ बजे जो कि अभी समय हो रहा है तो डेली एट पी का भी एक क्लास आप हमारे साथ देखिए तो रोज चार बजे और आठ बजे आपको हमारे साथ जुड़े रहना है YouTube पर चैनल है टेक्सट और रीजनिंग पढ़नी है ए एस आर सर से मैं अभिनव सिंह राजावत मेरा पूरा नाम है ठीक है कोर्स तो के बारे में देख लीजिए यहां पर क्योंकि कोर्सेज भी जरूरी हैं है ना तो आप आप किसी को रेफर कर सकते आप खुद एनरोलमेंट करा सकते हैं अपना एसएससी के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसी भी कोर्स में अगर मतलब किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं सीजीएल सी एच एस एल स्टेनो जी या सीपीओ कोई भी एग्जाम ये सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे आपके फ्रेशर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है आपका कोर्स एक साल का पूरा ये कोर्स है इसमें आपको लाइव क्लासेस प्रैक्टिस क्लास नोट्स भी आपको मिलते हैं बैच का प्राइस है बेटा फोर ट्रिपल नाइन लेकिन ये अभी आपको ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिल रहा है अभिनव एस कूपन कोड को अप्लाई करने से तो यही बैच आपको मिल जाएगा थ्री ट्रिपल नाइन में तो कितना अच्छा है ना कितने सस्ते में आपको यह बैच मिल रहा है प्लस एक और बात क्योंकि यहां इस पेमेंट में भी हो सकता है कुछ बच्चे जो थोड़ा सा हेजिटेट हो या इस पेमेंट को एक साथ देने में कंफर्टेबल ना हो तो वो इसको दो या तीन पार्ट में भी पेमेंट कर सकते हैं ठीक है दो पार्ट में या तीन पार्ट में भी आप पेमेंट कर सकते हैं तो यह भी हम लोगों ने आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा कन्वीनियंट रहे आप लोगों के लिए आप ज्यादा से ज्यादा हाँ <laughs> जी तो जल्दी से जल्दी इस कोर्स में एडमिशन लीजिए फैकल्टीज जो यहां पर हैं उनको भी एक नजर देख लो ये सभी फैकल्टीज मिलकर के आपका सिलेक्शन कराएंगे गोपिका मैम ऋतुराज सर अभिनव सर कौस्तुभ सर और हीना मैम ओके तो गाइस चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन की तरफ और गाइस कीप शेयरिंग सभी बच्चे लोग जिन लोगों ने शेयर कर दिया है वर्ल्डन और जिन्होंने शेयर नहीं किया है तो क्या सोच रहे हो भाई कौन बताएगा आपको शेयर करने को कोई दूसरा नहीं आने वाला है आपको शेयर करना है जल्दी से वीडियो के नीचे जो शेयर का आइकन है उस पर क्लिक कीजिए व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम हर जगह पे क्लास अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है इसका आंसर भाई बता दो ऑड वन आउट का ऑरेंज पीच ऑनियन पाइन ये चार वर्ड हैं जिनमें से तीन किसी तरह सिमिलर हैं और एक अलग है जिनमें से तीन किसी तरह सिमिलर है और एक अलग है बताओ भाई वो कौन सा हो सकता है ऋतिका हरिओम रूपाली संजना शिवम वैभव बहुत अच्छे थ्री के साथ यहाँ पर सभी बच्चे जाते हुए क्या बात है थ्री के साथ सभी बच्चे जाते हुए अनियन यहाँ पर कह रहे हैं कि सर अनियन आंसर होगा और बिल्कुल सही बात है क्योंकि ऑरेंज जो होगा ये आपका फ्रूट हो जाएगा पीच भी फ्रूट हो जाएगा पाइन भी फ्रूट हो जाएगा लेकिन अनियन क्या फ्रूट है नहीं है ना अनियन फ्रूट नहीं है तो इसी रीजन से आंसर इसका बेटा ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा अनियन यहाँ पे आंसर इसका ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा बहुत बढ़िया बच्चों बहुत अच्छे इसी तरह पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप लोगों को जो हमारे साथ टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हुए हैं ये मेरा ग्रुप है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं रीजनिंग विद ए एस आर रीजनिंग विद ए एस आर इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो जल्दी से बेटा डेली 8 पीएम पे क्लास होती है हमारी रीजनिंग बाई अभिनव सर और ये कूपन कोड है बेटा इस कूपन कोड को अप्लाई करने से ट्वेंटी डिस्काउंट मिलता है सभी कोर्सेज में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ यहां आपको बताना है कि इस शीट ऑफ पेपर को इस शीट ऑफ पेपर को अगर हम फोल्ड करके क्यूब बनाएंगे तो कौन सा क्यूब नहीं बन सकता कांट बी मेड कौन सा क्यूब नहीं बन सकता है बच्चे बता सकते हो कौन सा क्यूब नहीं बन सकता है फास्ट देख रहे हैं 200 बच्चे और लाइक केवल 100 हैं बहुत नाइंसाफी है मेरे भाई बहुत नाइंसाफी देख रहे हैं 200 बच्चे लाइक केवल 100 हैं आइए देखें यहां पर अपोजिट ये दोनों सरफेस एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये दोनों सरफेस एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये दोनों सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे होंगे कि नहीं होंगे बिल्कुल होंगे अब यहां आपको बताना है कि कौन सा इमेज नहीं बन सकता वो नहीं बन पाएगा जिसमें अपोजिट साथ में दिखाई दे रहे हैं वो नहीं बन पाएगा जैसे हैशटैग हैशटैग के के साथ साथ एंड एंड नहीं आना चाहिए के साथ कहीं पर भी नहीं है एट द रेट के साथ परसेंटेज नहीं आना चाहिए एट द रेट के साथ परसेंटेज यहां पर यह देखो दिया हुआ है एट द रेट और परसेंटेज क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है तो एक टाइम पर दोनों साथ में नहीं दिखाई दे सकते दिखाई दे सकते नहीं दिखाई दे सकते तो यहां पर यह कैसे पॉसिबल होगा भाई तो डी को पकड़ लीजिए यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चे यही आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर इसको ऑप्शन नंबर में दे रखा है वेल well डन बहुत अच्छे शाबाश ये दस दिन है बेटा इसमें किसी भी तरीके की कोई लापरवाही मत कीजिएगा यह लास्ट टेन डेज है इसमें किसी भी तरीके से कोई लापरवाही मत बरतिएगा पूरे सेशन देखिए सीखिए प्रैक्टिस कीजिए ठीक है थीके? नेक्स्ट क्वेश्चन यह एज से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको दी गई है मुझे लगता है सभी बच्चे कर लेंगे कोई प्रॉब्लम किसी को कोई दिक्कत एज से रिलेटेड यहां पर आपको यह दिया गया है क्वेश्चन कि मुरली की एज दस साल पहले तीन गुना थी उसके सन सतीश से तो मुरली जी दस साल पहले और सतीश जी भी दस साल पहले क्योंकि ऐसा तो नहीं खाई यही दस साल पीछे जाएंगे ये भी दस साल पीछे जाएंगे मुरली जो है वो तीन गुना था तीन गुना था तो ये हो गया पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन है आपके पास दस साल बाद का कि मुरली की एज दो गुनी हो जाएगी सतीश से दस साल बाद मतलब एम प्लस टेन और यहां पर एस प्लस टेन दस साल बाद ये दो गुना हो जाएंगे तो ये टू एस हो जाएगा ये पहली इक्वेशन ये दूसरी इक्वेशन एम और एस की वैल्यू निकाल दो मेरे भाई एम और एस की वैल्यू निकाल दो बच्चे लोग तो शॉर्ट ट्रिक भी जानते होंगे तो इससे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मुरली और सतीश की प्रेजेंट एज पता चलेगी लेकिन आपको रेशियो बताना है उनकी एज का रेशियो बताना है बताइए भाई क्या आ जाएगा सेवन एस टू थ्री के साथ बच्चे जा रहे हैं ज्यादा कुछ लोग डी भी बोल रहे हैं डी तो नहीं होगा फाइव इस टू टू भी बोल रहे हैं यार तुम तो कंफ्यूज कर रहे हो बेटा जी रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज प्रेजेंट एज का निकालना रेशियो पिछले दस साल का या आगे दस साल का मत निकाल देना प्रेजेंट एज का रेशियो निकालना है आपको ठीक है प्रेजेंट एज का रेशियो आपको निकालना है जैसे अगर मैं यहां पर रखता हूं एम की वैल्यू क्या आ जाएगी ये माइनस टेन उधर भेज देते हैं इसको ये माइनस टेन को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा एम की वैल्यू थ्री एस यहां पर हो जाएगा थ्री एस फिर यहां पर माइनस कर देंगे थर्टी हो जाएगा ठीक है दस जो उधर गया था ये प्लस का उधर जाएगा ये प्लस का दस हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये हो जाएगा थ्री एस माइनस थर्टी ये लिख दिया दस उधर चला गया था तो प्लस टेन हो गया फिर एम तो लिख दिया मैंने यहां पर वापस से प्लस टेन लिख दीजिए ये बराबर हो जाएगा टू एस प्लस ट्वेंटी हो जाएगा ये देख लो भाई इसको इसमें क्या कर लेते हैं तो टू इधर ले आते हैं थ्री एस माइनस हो जाएगा ये बराबर इधर कितना हो जाएगा भाई इधर ये इधर ये ले आते हैं भाई ठीक है तो ये माइनस ये बीस बीस कैंसिल हो जाएगा तीस आ जाएगा ठीक है ये दस और दस बीस और इधर का बीस कैंसिल हो जाएगा तीस उधर जाएगा तीस आ जाएगा एस की वैल्यू तीस है यानी सतीश हमारे भाई साहब जो है वो अभी तीस साल के हैं अभी तीस साल के हैं तो रेशियो 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 आपको निकालना है कितना आ जाएगा सेवन इंस टू थ्री सेवन टू थ्री बताओ चलो चेक कर लेते हैं फटाफट यहां पर करेक्ट आंसर यस सेवन इंस टू थ्री इसका यहां पर करेक्ट आंसर है सेवन इंस टू थ्री इसका यहां पर करेक्ट आंसर है ओके चलो यहां पर देखते हैं ये क्या रिलेशन आपको दिया गया है इसमें आपको एक ये इमेज दी गई है इस पेपर को फोल्ड करना है आधा राइट की तरफ या आधा लेफ्ट की तरफ सभी इमेजेस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पेपर को राइट की तरफ फोल्ड किया गया है जब इस इमेज को हाफ राइट right की तरफ आप फोल्ड करेंगे तो इमेज कैसा दिखाई देगा तो हम देख रहे हैं इसके अपोजिट में इसके अपोजिट में इसके अपोजिट में इसके अपोजिट में सेम वैसा ही इमेज बना हुआ है हम तो एक काम करते हैं इसको छुपा लेते हैं इस पार्ट को छुपा लेते हैं बस यही आपका आंसर हो जाएगा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई इस पार्ट को छुपा लीजिए बस ये आपका आंसर हो जाएगा तो भाई किसमें है ये नीचे बढ़ रहा है यहां पर नहीं है है यहां यहां पर पर तो ये है, ये लाइन छोटी भी कैंसिल कर दीजिए देखते हैं यहां पर देखते हैं यहां पर देखते हैं यस है, ये, ये वाला हो जाएगा इसमें भी कैंसिल कर देंगे थर्ड इसका यहां पर करेक्ट आंसर है थर्ड वाला इमेज हमारा यहां पर करेक्ट आंसर होगा बेटा बहुत बढ़िया वेल डन बहुत अच्छे बहुत खूबसूरती से सभी लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है शाबाश चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मसल्स मेड मस्कुलर मैरो करना है इन चार वर्ड्स को रिवर्स डिक्शनरी में अरेंज करना है डिक्शनरी ऑर्डर में नहीं रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर में जब हम रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो क्या सीक्वेंस मिलेगा जल्दी क्या सीक्वेंस हमको देखने को मिलेगा फटाफट से सोचो क्या सीक्वेंस हमें देखने को मिलेगा ये दिखाई नहीं देगा ये बहुत लाइट हो जाएगा ना ब्लैक ही सबसे सही है ओके okay, देखो यहां पर रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर में आपको अरेंज करना है तो ऑप्शन नंबर फोर बच्चे कह रहे हैं देखो भाई एम सब में कॉमन है फिर यू ए यू ए सबसे बड़ा कौन है यू ही होगा यू यहां पर भी है यहां पर भी एस यहां पर भी यहां पर भी है फिर सी सी यहां पर भी है यहां पर भी है तो इसमें अगर हम देखेंगे फिर उसके बाद एल और यू में बड़ा कौन है यू बड़ा है यानी कि थ्री और थ्री के बाद वन थ्री थ्री के बाद वन थ्री थ्री के बाद वन थ्री के बाद वन हा ऑप्शन नंबर फोर थ्री के बाद वन केवल इसी ऑप्शन में है यहां पर यस yes, ये देखो थ्री के बाद वन केवल इसी ऑप्शन में तो पहले थ्री आया थ्री के बाद वन आया फिर इन दोनों में अगर हम चेक करेंगे तो एम ए एम ए दोनों में कॉमन है यहां पर डी है यहां पर आर है डी और आर में बड़ा कौन है आर फिर उसके बाद कौन आ जाएगा ये आ जाएगा फोर के बाद टू आ जाएगा यानी पहले थ्री आ जाएगा फिर वन आ जाएगा फिर फोर आ जाएगा फिर टू आ जाएगा थ्री वन फोर टू है ना सिंपल बहुत ही सिंपल है तुरंत आंसर आ जाता है क्या बात है इस इमेज को कंप्लीट करेंगे इस इमेज को कंप्लीट करना है यहां पर तीन चौथा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इससे आप एक अनुमान लगाएंगे कि जो बाकी का हिस्सा मिसिंग है वो कैसा होगा जो बाकी का हिस्सा मिसिंग है वो कैसा होगा थ्री फोर्थ पार्ट थ्री फोर्थ पार्ट विजिबल है वन फोर्थ पार्ट मिसिंग है वो कैसा दिखाई देगा बच्चे जल्दी से चेक करो बहुत बच्चे बहुत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कीप शेयरिंग कीप शेयरिंग हम्म फोर वाला बच्चे कह रहे हैं तो आओ थोड़ा सा कलाकारी करते हैं ठीक है थोड़ा सा कलाकारी करते हैं ब्लैंक कलर ब्लैंक कलर ब्लैंक और ये कलर हो जाएगा यहां पर ठीक है ये हो गया कलर पार्ट फिर उसके बाद ये लाइन स्ट्रेट कर देंगे ये लाइन स्ट्रेट कर देंगे ठीक है और यह आपका सर्कल में हो जाएगा लो बन गया हमारा बन गया किस ऑप्शन में ऐसा दिखाई दे रहा है तो यहां पर तो लाइन मिसिंग है इसको हटा देते हैं फिर यहां पर नीचे वाला पार्ट ब्लैंक है यह गलत हो जाएगा अब इन दोनों में अगर हम देखें तो इस लाइन की हमको जरूरत नहीं थी ये कैंसिल कर देते हैं फोर थ्री नहीं थ्री नहीं होगा फोर हो जाएगा थ्री नहीं होगा बच्चे फोर हो जाएगा यहां पर यह देखो फोर इसका यहां पर करेक्ट आंसर है क्या ही करते हो भाई जी बहुत बढ़िया ये हुई बात सभी बच्चे हमारे बहुत बढ़िया तरीके से आंसर कर रहे हैं सब आपस में जो कंपटीशन कर रहे हैं सिद्धि संजना अतुल पूजा पेंसिल शिवम मार्कोस तरुणा सुमन प्रिया ओके तमन्ना प्रार्थना प्रार्थना सुमन यस 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 बहुत अच्छे चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपका यह है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है वन से शुरू हुआ पहुंच चुका है वन फोर्टी वन तक कैसे कैसे एक से छह से सोलह फिर इकतीस फिर इक्यावन फिर सेवेंटी सिक्स यहां पर डिफ्रेंसिस निकाल के बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और मैं जब आपको पूछ रहा था मुझे लॉजिक समझ में आ चुका है मैं बताते बताते समझ गया आपको भी आ गया होगा मैं बताते बताते समझ गया हूं आपको भी पता चल गया होगा बेटा जी रिफ्रेश कर लो जितने भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है सेशन में वो रिफ्रेश कर लिया करें बीच बीच में ठीक है कभी मान लीजिए आपके इंटरनेट कनेक्शन में कुछ इश्यू आ जाता है तो बफरिंग होने लगता है हमारे एंड से सब सही है रिफ्रेश कर लिया करूं 106 बच्चे हमारे यहां पर बता रहे हैं कि सर 106 होगा सभी बच्चे 106 की तरफ जा रहे हैं यहां पर देखो एक से छह यहां पर पांच प्लस हुआ है छह से दस सोलह यहां पर दस प्लस हुआ है 16 से इकतीस यहां पंद्रह प्लस हुआ है यहां पर बीस प्लस हुआ है प्लस हुआ है, सीधे से समझ में आ गया पांच दस पंद्रह आगे तीस प्लस करेंगे जब तीस प्लस करेंगे तो हो जाएगा एक सौ छह बिल्कुल सही बात एक सौ छह इसका करेक्ट आंसर है यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री में दे रखा है क्या बात है ऐसे थोड़ो ना चलो कीप शेयरिंग बच्चों बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो शाबाश 106 सौ छह डिफरेंसेस पांच के मल्टीपल में कॉन्जिक्यूटिव पांच के मल्टीपल नंबर पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस शाबाश अगला क्वेश्चन देखो यहां आपको पांच वर्ड्स दिए गए हैं अच्छा जी जिनमें से चार किसी तरह रहे हैं वैसे पांच हैं कोई बात नहीं चलो ये भी देख लेते हैं तो इनमें से चार किसी तरह सिमिलर हैं एक अलग है इनमें से चार किसी तरह सिमिलर है एक अलग है यहां चार ऑप्शन आ गए भाई हमारे पास पांच ऑप्शन आ गए सॉरी पांच ऑप्शन आ गए हमारे पास कोई बात नहीं चलिए मैं आप लोगों के लिए काम करता हूं इस ऑप्शन को हटा देता हूं लास्ट वाला ऑप्शन हटा देता हूं ठीक है अब चलो अब तो सही है अब ये चार ऑप्शन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया इन चार में से तीन किसी तरह सिमिलर हैं इन चार में तीन किसी तरह सिमिलर है एक अलग है वो लॉजिक क्या हो सकता है आइए प्लस माइनस का लॉजिक देखते हैं भाई यहां पर एफ से सी एफ से सी तक जाओगे एफ है सी है एच है और ई e है यहां पर देखिए एफ से सी यहां पर माइनस तीन है सी से एच यहां पर क्या हो गया है यहां पर प्लस पांच हो गया है और एच से ई e, आठ और पांच पांच छह सात आठ माइनस तीन है यानी माइनस तीन प्लस पांच माइनस तीन समझे ये इसका लॉजिक हुआ सेकंड वाले में देख लेते हैं ओ पर तेरा से दस माइनस तीन ये प्लस पांच दस पांच पंद्रह पंद्रह में माइनस तीन बारह ये हो गया यानी कि इसमें और इसमें सेम लॉजिक है यहां पर डी से ए में माइनस तीन है ए से एफ में प्लस 5 है और एफ से सी में प्लस 3 है नहीं माइनस 3 है सॉरी इसमें भी सेम लॉजिक है तो ले दे करके यही बचा है हमारे पास इसी को निपटा देते हैं भाई देखो भाई 18 से 15 माइनस 3 हुआ है 15 से 21 15 से 21 ज्यादा प्लस हो गया भाई 15 से 21 6 प्लस हो गया ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर आपका आंसर हो जाएगा ये देखो यहां पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा कार्तिकेय अंशिका जयसवीर सुजीत पप्पू मानवी आर्या बहुत अच्छे दीपक वेल डन शाबाश। रिफ्रेश कैसे होता है दीपक तुम मोबाइल पर देख रहे हो कि लैपटॉप पर देख रहे हो लैपटॉप पर देख रहे हो तो रिफ्रेश करना तो आपको आता ही होगा ऊपर लेफ्ट एंड पे जाकर के देखो एक ऐसा सर्कल बना होगा है ना इस तरीके से सर्कल यहां पर एंड पे इस तरीके से बना होगा उसको क्लिक कर दो रिफ्रेश हो जाएगा और अगर मोबाइल पर देख रहे हो तो यूट्यूब बंद करके वापस से ओपन कर दो ऐप है ना <laughs> यहां पर वापस से यूट्यूब ओपन कर लो आ, आ, ओके तो यहां पर ये चार क्वेश्चन आपको चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी तरह सिमिलर हैं और एक भिन्न है दिए गए चार ऑप्शन में से तीन किसी तरह सिमिलर है, है. है एक भिन्न है जरा बताओ भाई कौन सा होगा अंबिका चौधरी थैंक यू सो मच सभी लोगों को बोलो भाई कि शेयर करें जल्दी, जल्दी 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 बहुत बढ़िया तो इसमें क्या सिमिलैरिटी हो सकती है भाई बी के साथ ज्यादातर बच्चे जा रहे हैं कहने सर बी होगा सेवन वन नाइनटी सिक्स है ना सेवन वन नाइनटी सिक्स के साथ ज्यादातर बच्चे लोग बोल रहे हैं सेवन वन नाइनटी सिक्स अच्छा जी देखो यहां वन सिक्सटी नाइन सॉरी यहां पर अगर हम देखते हैं कि ये पांच के साथ हंड्रेड दिया हुआ है अच्छा देखो ये स्क्वायर नंबर है ये भी स्क्वायर नंबर है ये भी स्क्वायर नंबर है ये भी स्क्वायर नंबर है ये इतफाक तो होगा नहीं कि सभी स्क्वायर नंबर ये बनाए जा रहे होंगे कैसे बनाया जा रहा होगा ये दस का स्क्वायर है अब ये दस का स्क्वायर कैसे आएगा तो पहले पांच दिया हुआ है इसको डबल कर दीजिए तो 10 आ जाएगा और 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा ये 100 दिया हुआ है इसी तरीके से अगर आप ये ऑप्शन बोल रहे हैं तो मैं इसको रोक देता हूं तीसरा चेक करते हैं ये 6 है 6 का डबल कर देंगे तो 12 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर बच्चे 144 दिया हुआ है ये देखो 144 है इसी तरह 8 है 8 का दो गुना कर देंगे तो सोलह हो जाएगा और सोलह का स्क्वायर अगर हमको मिलता है टू फिफ्टी सिक्स यहां पर देखो दिया हुआ है तो इन तीनों में सिमिलैरिटी है साथ के साथ यह था कि सेवन टू 14 होता है और फोर्टीन का जो स्क्वायर होता है वो होता है वन नाइनटी सिक्स फोर्टीन का स्क्वायर वन नाइनटी सिक्स होता है लेकिन यहां पर वन सिक्सटी नाइन दिया है तेरह का स्क्वायर दे दिया है समझ रहे हो बात को तेरा का स्क्वायर दे दिया हमें कितने का चाहिए था हमें चौदह का स्क्वायर चाहिए था चौदह का क्यों क्योंकि सात को जब दो गुना करेंगे तो फोर्टीन आएगा फोर्टीन का स्क्वायर वन नाइनटी सिक्स होना चाहिए था यो यहां पर यह ऑप्शन बाकी तीनों से अलग हो जाता है हो जाता है कि नहीं हो जाता है बोलो जी बहुत बढ़िया शाबाश करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर टू है बहुत बढ़िया बच्चों तो सभी बच्चे हमारे एक बार जल्दी से, से सेशन को शेयर भी करेंगे शेयर करते रहेंगे और लाइक करना मत भूलिएगा ठीक है लाइक करना मत भूलिएगा बहुत कम लाइक्स हैं गाइस जाग जाओ जल्दी से लाइक करो अगला क्वेश्चन देखो भाई ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है दीपक को कोड किया गया थर्टी सिक्स से नेबर को कोड किया गया एटी वन से तो एंटरटेनमेंट का कोड कितना होगा बता सकते हैं एंटरटेनमेंट का कोड कितना होगा अगर अगर दीपक का कोड 36 है नेबर का 81 है तो एंटरटेनमेंट का कोड कितना होगा बच्चे भाई बताओ देखो ये 36 एक स्क्वायर नंबर है 81 भी एक स्क्वायर नंबर है तो एंटरटेनमेंट का जो कोड होगा वो भी स्क्वायर नंबर होना चाहिए और सारे ऑप्शन एक स्क्वायर नंबर है 169 मुझे यहां पर नसरीन वैभव अभिषेक रियाज सुजीत वेरी गुड दीपक नेहा बहुत बढ़िया आचल जयसवाल गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग सभी लोगों का आप बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लास में जो लोग अभी जुड़े हैं वेलकम है क्वेश्चन अभी भी बहुत सारे बाकी हैं पूरा सेशन देखना लास्ट तक देखना पूरा सेशन शेयर करते चलो देखो ये छत्तीस कैसे आ रहा है दीपक वर्ड में छह लेटर हैं दीपक वर्ड में छह लेटर हैं छह का स्क्वायर कर दो छत्तीस ये देखो मिल गया नेबर में एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ नौ लेटर है नौ का स्क्वायर कर दो एट्टी वन यानी कि नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर करना है कितना सिंपल है नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर करना है एंटरटेनमेंट का देखो भाई एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह लेटर है तो तेरह का स्क्वायर वन सिक्सटी नाइन और इसी रीजन से सभी बच्चे हमारे जो है टूट पड़े ऑप्शन नंबर थ्री पर कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर थ्री के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता ऑप्शन नंबर थ्री के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता नंबर ऑफ लेटर्स को स्क्वायर कर देना है अब ऐसे ही क्वेश्चन अगर मान लो एग्जाम में आ जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा तुम्हें करने में बिल्कुल भी नहीं लगेगा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा शाबाश 169 सिक्सटी नाइन यहां पर करेक्ट आंसर है शाबाश अच्छा देखो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है तुमको इन सभी क्वेश्चंस का जो पीडीएफ चाहिए होगा वो यहां पर मिल जाता है रीजनिंग विद ए एस आर जल्दी से जाओ और इस ग्रुप को ज्वाइन करो टेलीग्राम पर पब्लिक ग्रुप है कोई भी ज्वाइन कर सकता है ये पांच वर्ड्स दिए गए हैं इनका एक सीक्वेंस है कुछ ये सभी वर्ड्स देखिए फाउंड मिस्टेक टाइप वेरीफाई एडिट फिनिश मतलब कुछ ड्राफ्टिंग की बात हो रही है कुछ टाइपिंग की बात हो रही है आप कुछ मान लीजिए मेल टाइप कर रहे हैं तो उसमें या कुछ आप एक ऐसे लिख रहे हैं या फिर आ, कोई एक लिख रहे हैं तो उसमें एक ये सीक्वेंस सीक्वेंस इसका कुछ फॉलो करेंगे वो क्या होगा भाई बता रुक जाते करते रहा करो। देखो, सबसे पहले तो टाइप ही करोगे भैया बिना टाइप के जब टाइप ही नहीं करोगे तो गलती किस बात की और फाइनल क्या करोगे फिर तो सबसे पहले टाइप करोगे टू से शुरू होगा टू से शुरू होने वाले दो ऑप्शन है और दोनों में टू के बाद दिया हुआ है 1 के बाद दिया हुआ है तो टू वन फोर पहले आपने किया, फिर आपने कुछ गलती कर दी ठीक फिर उसके बाद आपने उसको एडिट कर दिया एडिट करने के बाद फिनिश करोगे तब वेरीफाई करोगे या पहले वेरीफाई करोगे तब फिनिश करोगे जाहिर सी बात है पहले वेरीफाई करोगे फिर फिनिश करोगे तो पहले आपने टाइप किया टाइप करने के बाद आपको मिल गया एरर फिर उसके बाद एडिट एडिट के बाद वेरीफाई वेरीफाई के बाद फिनिश खत्म सन्नाटा ठीक है टू वन फोर थ्री फाइव टू वन फोर थ्री फाइव का मतलब ऑप्शन नंबर फोर इसका यहां पर करेक्ट आंसर है टू वन फोर थ्री फाइव मतलब आंसर इसका ऑप्शन नंबर फोर में दिया हुआ है ओके समझ में आ गया सभी को कोई इश्यू कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है नीचे ये कूपन कोड आप देख सकते हैं यहां पर अभिनव करके दिया हुआ है इस कूपन कोड को अप्लाई करके 20 परसेंट तक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 20 परसेंट का डिस्काउंट आप लेते ना चाहते हैं अगर हमारे सभी कोर्सेज में एप्लीकेबल है चाहे वो बैंकिंग का हो चाहे वो एस का हो चाहे वो गेट का हो यूपीएससी का स्टेट लेवल का कोई भी कोर्स कोई भी कोर्स अगर आप लोगे अभिनव एस कूपन कोड अप्लाई करना ट्वेंटी आपको डिस्काउंट मिलेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई मिनिस्टर एक वर्ड है और उसके सामने रख दिया है मिरर तो मिरर पे क्या रिफ्लेक्शन पड़ेगा रिफ्लेक्शन जो पड़ेगा वो कैसा दिखाई देगा मिरर पे जो रिफ्लेक्शन पड़ेगा वो कैसा दिखाई देगा क्या दिखाई देगा बताइए भाई जल्दी से मिरर पे जो रिफ्लेक्शन पड़ेगा वो क्या दिखाई देगा क्या लगता है ए ए के साथ हमारे सारे बच्चे जा रहे हैं क्या बात है भाई ए के साथ सभी बच्चे जा रहे हैं अच्छा जी ऐसा करोगे हाँ शाबाश बहुत अच्छे देखो भाई सबसे पहले तो आर जो कि उल्टा दिखना चाहिए यहां पर आर गलत है यहां पर आर गलत है यहां पर एम है यही आंसर हो जाएगा केवल पहले लेटर से ही समझ में आ गया कि करेक्ट आंसर क्या होगा केवल पहले लेटर से ही समझ में आ गया करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए ओके ठीक है मूव करें आगे बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ते हैं एक घड़ी जो प्रति मिनट पांच सेकंड तेज हो जाती है इसे पूर्वान नौ बजे सही समय पर सेट किया जाता है यह प्रति घंटे दो मिनट रुक जाती है तो इस घड़ी को फेंको इस घड़ी का क्या काम है फिर ठीक है एक तो तेज भी हो जाती है फिर रुक भी जाती है इतना समस्या इस घड़ी में घड़ी में साढ़े तीन बजे दिखने पर वास्तविक समय क्या होगा मतलब हमें एक्चुअल टाइम पता करना है हमें किसका टाइम पता करना है हमें एक्चुअल टाइम पता करना है जब फॉल्टी क्लॉक में जब बिगड़ी हुई घड़ी में साढ़े तीन दिख रहा है तो सही वाली घड़ी में क्या टाइम दिखाई देगा जय हिंद रूपाली चौहान जय हिंद बेटा बता दो भाई जल्दी से कैसे करोगे इसको ऐसे कर सकते हैं कि देखो भाई प्रॉब्लम यह है कि पांच सेकेंड एक मिनट में पांच सेकेंड फास्ट हो जाती है एक मिनट में एक मिनट में अगर वो पांच सेकेंड फास्ट हो जाती है तो साठ मिनट में यानी कि एक घंटे में तो साठ मिनट में यहां पर साठ से मल्टीप्लाई किया यहां पर भी कर दोगे तो तीन सौ सेकेंड तीन सौ सेकेंड का मतलब कितने मिनट हो जाएगा तीन सौ सेकेंड का मतलब कितने मिनट हो जाएगा इसको बटे साठ कर दोगे पांच मिनट यानी कि ये जो हमारी घड़ी है ये एक घंटे में पांच मिनट फास्ट हो जाती है सिंपल सी बात है हमारी घड़ी में दिक्कत ये है कि एक घंटे में पांच मिनट ये फास्ट हो जाती है एक घंटे में ये पांच मिनट फास्ट हो जाती है इसको सुबह नौ बजे सेट किया गया है ये एक इसमें और दिक्कत है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं देखो भाई जब तक जब तक फॉल्टी क्लॉक सिक्सटी मिनट चलती है तब तक तब तक हमारी यह घड़ी जो है वो 62 मिनट चलती है समझ रहे हो 60 नहीं 60 मिनट 60 मिनट जब तक हमारी सही वाली घड़ी 60 मिनट कवर करती है जब तक हमारी सही घड़ी सही घड़ी जो है जब तक वो 60 मिनट कवर करती है एक घंटा कवर करती है तब तक ये हमारी बिगड़ी वाली जो घड़ी है वो पैंसठ मिनट कवर कर लेती है क्यों क्योंकि हर एक मिनट में ये पाँच हर एक घंटे में पांच मिनट फास्ट हो जाती है अब इसमें एक और प्रॉब्लम है कि ये जो बिगड़ी वाली घड़ी है ये दो मिनट रुक जाती है बिगड़ी वाली घड़ी जो है वो दो मिनट रुक जाती है हर एक घंटे में तो मतलब अभी ये घड़ी रुकी रहेगी तो रुकी रहेगी तो ये सिक्सटी फाइव मिनट ही चली है एक घंटे में तो दो मिनट ये रुकी रहती है यानी कि अब यहां पर मिनट हम अब आपको समझ में आ जाएगा ये मिनट क्यों लिख रहा था ठीक है ये हो जाएगा तो जब तक ये सिक्सटी फाइव मिनट चलती है तब तक ये सिक्सटी टू मिनट चलती है ठीक है ये है अब हिसाब किताब अब देख लो भाई कितना टाइम हुआ है सुबह नौ बजे से शाम के साढ़े तीन बजे तक सुबह नौ बजे से शाम के साढ़े तीन बजे तक की बात हो रही है भाई तो नौ से तीन छे घंटे तीस मिनट नौ से तीन छह घंटे प्लस तीस मिनट और क्योंकि साढ़े तीन है छह घंटे को मिनट में बदलो तो कितना मिनट हो गया छह घंटे हैं अगर छह घंटे को मिनट में बदलोगे तो साठ से मल्टीप्लाई कर दो सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स तीन सौ साठ मिनट छह घंटे का मतलब है तीन सौ साठ मिनट और तीन सौ साठ मिनट में तीस मिनट और जोड़ दो क्योंकि साढ़े तीन है तो यानी तीन सौ नब्बे मिनट जब तक जब तक जब तक जब तक देखो ये एक मिनट में अगर आपको पता चल जाएगा एक मिनट में जब तक ये एक मिनट चलती होगी ये सिक्सटी टू बाई सिक्सटी फाइव मिनट चलती होगी और जब तक ये 390 मिनट चल चुकी है तब तक एक्चुअल वाली कितनी चलेगी तीन सौ नब्बे इसको सॉल्व कर देना आंसर आ जाएगा तुम्हारा सिक्सटी टू बाई सिक्सटी फाइव मल्टीप्लाई बाई थ्री बताइए ठीक है सिक्सटी टू बाई सिक्सटी फाइव मल्टीप्लाई बाई थ्री इतना कर देंगे आंसर आपका निकल आ जाएगा कितना मिनट यहां पर मिनट निकल के आएगा उतना मिनट आप इसको ऐड कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा नौ बजे में ठीक है वॉच को रिपेयरिंग की जरूरत है तो आइए देख लेते हैं फिर इसका करेक्ट आंसर कितना निकल के आएगा तो तीन बारह इसका यहां पर करेक्ट आंसर निकल के आएगा ठीक है जब आप इसको ऐड करेंगे तो इसका आंसर जो है वो तीन के बारा निकल के आएगा चलो अगला क्वेश्चन दिखाते हैं तो शेयर करने के लिए बोला जा रहा है भैया जितने भी लोगों ने शेयर नहीं किया है अभी तक वो लोग फटाफट से शेयर कर दीजिए है ना वो लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए जितने भी लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया हुआ है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एज्यूम अगर लिखा है ई एम यू ए डबल एस तो निडिल को क्या लिखा जाएगा एज्यूम का कोड अगर मान लीजिए दिया गया है आपको इन लेटर्स में एज्यूम का कोड आपको इन लेटर्स में दिया गया है तो निडिल का कोड क्या निकल के आएगा भाई बता दो Assume का कोड वही लेटर्स हैं बस उनके सीक्वेंस को बदल दिया गया है ठीक है ए डबल एस E ओके ए डबल एस यू एम ई को अगर हमने ई एम यू और क्या है ए डबल एस ओके तो मेरे भाई कितना सिंपल सी बात है ये तीन लेटर यहां पर लिखे हुए हैं ये उल्टा कर दो अगर इनको तो ये तीन लेटर यहां पर लिखे हुए हैं सिंपल है है कि नहीं बस फटाफट से यहां पर बता दो करेक्ट आंसर कितना होगा तो हमें निडिल दिया गया है ना तो निडिल में लास्ट के तीन लेटर और पहले तीन लेटर पहले तीन लेटर लास्ट में चले आएंगे एन ई एन डबल ई इन तीनों में दिया हुआ है ये तो गलत हो जाएगा और उनका रिवर्स ऑर्डर ई एल डी ई एल डी किस में दिया गया ऑप्शन नंबर फोर में दिया गया है ऑप्शन नंबर फोर इसका यहां पर करेक्ट आंसर होगा ठीक है कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं करेक्ट आंसर भी यहां पर आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर फोर में दिया गया है बाकी हटो भाई हाँ क्वेश्चन देखो वेन डायग्राम का दिया गया एक वेन डायग्राम में रेक्टेंगल जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको इंजीनियर्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंजीनियर्स को सर्कल रिप्रेजेंट करता है मैनेजर्स को सर्कल रिप्रेजेंट करता है मैनेजर्स को ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है मैरिड को ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है मैरिड को, को तो ये इस तरीके से तीन डायग्राम जो आपस में मर्ज किए गए हैं अब इसमें क्या पूछ रहा है हाउ many पीपल आर मैरिड बट नॉट इंजीनियर हाउ मैनी पीपल आर मैरिड बट नॉट इंजीनियर तो इंजीनियर अगर हमें नहीं चाहिए तो इंजीनियर के अंदर जितने भी नंबर हैं वो सब आप कैंसिल कर दीजिए यानी कि रेक्टेंगल के अंदर जितने नंबर हैं उस पर आपको सोचना ही नहीं है अब आप मैरिड की बात करेंगे तो यहां पर ट्राइंगल मैरिड को रिप्रेजेंट कर रहा था मैरिड so में ये तेरह लोग हैं ये सोलह लोग हैं तेरह और सोलह कितना हो जाएगा ट्वेंटी तेरह और सोलह कितना हो जाएगा ट्वेंटी यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर में दे रखा है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वन में ट्वेंटी इसका करेक्ट आंसर है ठीक है बच्चों चलो बहुत बढ़िया बेटा लोग शेयर करते चलो भाई शेयर करने में कंजूसी नहीं करते है ना पाप लगता है बेटा शेयर करने में कंजूसी नहीं करते पाप लगेगा यहां देखिए क्या हो रहा है ये है डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन भैया हिंदी इंग्लिश दोनों में है पढ़ लीजिएगा ध्यान से हिंदी वाले भी तो फटाफट फड़ से देखो ये कितना ट्रैवल कर रहा है कैसे क्या ट्रैवल कर रहा है और इसका आंसर बता दो भाई जल्दी से इसका आंसर बता देंगे सभी बच्चे लोग जल्दी से कैसे ट्रैवल कर रहा है कितना ट्रैवल कर रहा है देखो और उसके बाद इसका करेक्ट आंसर बताओ सर स्टेटस लगा रखा है बहुत बढ़िया बात है शीतल रिंपा गुड इवनिंग स्नेहा मानवी करीना कीप शेयरिंग प्रिया देखो बोल रही है शेयर करने को आकाश मानवी श्रुति श्रुति चले गए बेटा आकाश ओके वन अभिषेक ने सबसे पहले आंसर किया सौरभ गुड इवनिंग बेटा जय गुड इवनिंग अभिषेक ने आंसर किया था सबसे पहले पांच किलोमीटर तो अभिषेक के आंसर को मैं मानूंगा आप मुझे चेक करना है कि सही है कि नहीं तो फार्मर जो है वो अपनी फील्ड को प्रिपेयर कर रहा है और सबसे पहले वो ट्रैक्टर चला रहा है किधर जाता है पांच किलोमीटर ईस्ट तो सबसे पहले ये स्टार्टिंग पॉइंट है यहां से पांच किलोमीटर ईस्ट गया वो फिर उसके बाद किधर गया उसके बाद राइट जा करके सिक्स गया वो तो राइट जा करके सिक्स जाएगा वो फिर उसके बाद राइट लेकर के आठ जाएगा तो ये पांच यहां तक और तीन आगे और तो ये हो जाएगा टोटल आठ ठीक है पांच और तीन आठ हो जाएगा तो पांच छ आठ फिर उसके बाद राइट लेकर के दस उसके बाद राइट लेकर के दस तो छह ये हो जाएगा चार और आगे छ चार दस हो जाएगा फिर उसके बाद क्या करना है बस यहां पर उसका ट्रैक्टर बैठ गया अब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है करंट लोकेशन से गैराज की गैराज से करंट लोकेशन ये बताना है आपको तो इसके लिए मैं इसको यहां पर ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं तो बेस जो है वो टोटल आठ था आठ में से पांच माइनस कर दीजिए तीन बचेगा हाइट जो थी जिसमें ये छह है तो यहां भी छह में से छह माइनस कर दीजिए चार आ जाएगा तो ये चार है ये तीन है तो ये एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी चार तीन एक्स तो एक्स कितना आ जाएगा ट्रिपलेट है बेटा क्या ज्यादा कुछ सोचना नहीं है पांच आ जाएगा आंसर इसका पाइथागोरस तो जानते ही सभी बच्चे हमारे पांच इसका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये देखो पांच किलोमीटर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट पॉइंट एंड एंड इज किलोमीटर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओके चलिए बच्चा लोग एक बार जल्दी से शेयर कीजिए और सिक्स हंड्रेड प्लस लाइव स्टूडेंट की तरफ बढ़ते हैं सिक्स हंड्रेड प्लस लाइव स्टूडेंट फटाफट से जोड़ते हैं सिक्स हंड्रेड प्लस लाइव स्टूडेंट एक बार जल्दी से सभी लोग शेयर कर दो और बताओ कि यस सर हमने शेयर कर दिया अपने सभी दोस्तों को वो बस आते ही होंगे है ना जल्दी से शेयर करके उनको बताओ कि आज हम जरा कंपटीशन कर लेते हैं एक लाइव क्लास चल रही है मॉक टेस्ट चल रहा है लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है है ना चलो जल्दी से 600 प्लस लाइव करते हैं यहां देखिए सी डॉलर डी का मतलब सी डॉटर है डी की सी एंड डी का मतलब सी मदर है डी की सी परसेंटेज डी का मतलब सी सन है डी का तब तब इस इक्वेशन को डिकोड करने पर क्या जाएगा क्या मतलब होगा यहां पर ऑप्शंस आपको दिए गए क्या मतलब होगा भाई जल्दी से बताओ नेहा थैंक यू बेटा यस और भी लोगों को मोटिवेट करना है और लो, और भी लोगों को मोटिवेट करो भाई ऐसे काम नहीं चलता है अभी भी पांच किलोमीटर आंसर आ रहा है भाई पांच किलोमीटर आंसर पीछे क्वेश्चन में बीत चुका है ओके अंबिका वेरी गुड वेरी गुड अंबिका रिम्पा ओके मार्कोस रितु ओके देखो यहां पर क्या कह रहा है इस इक्वेशन को आइए फटाफट -फड़ से डिकोड करते हैं तो W से X में डॉलर का रिलेशन है डॉलर मतलब डॉटर यानी कि जो W है वो डॉटर है किसकी X की फिर उसके बाद X से Y में एंड है एंड का मतलब क्या है मदर X मदर है Y की तो X मदर हो जाएगी Y की इस तरीके से फिर y से z में परसेंटेज है परसेंटेज मतलब सन सी सन है डी का यानी कि y जो है वो सन है किसका z का तो y सन हो जाएगा z का तो ये इस तरीके से बन जाएगा y सन है z का ये इस तरीके से बन जाएगा ये हो गया पूरा इक्वेशन अब यहां पर देखो पूछा ये जा रहा है तो इसका मतलब क्या है क्या Z वाइफ है W की Z तो मेल है ना भाई वो वाइफ कैसे हो सकता है क्या Z मदर है नहीं क्या Z फादर है W का yes, यस ये बिल्कुल सही बात है कि Z फादर है W का Z डॉटर नहीं हो सकती जी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर थ्री में दिया गया है करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर थ्री में है शाबाश बहुत अच्छे बेटा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री चले फिर आगे की तरफ नेक्स्ट दिखाओ भाई ये इमेज छुपा हुआ है किसी ऑप्शन में ये इमेज छुपा हुआ है किसी ऑप्शन में वो कौन सा ऑप्शन है इट इसी तरीके से रोटेशन रोटेशन नहीं नहीं करना कुछ भी नहीं दिया है तो नहीं करेंगे तो एज इट इज ये किसी में छुपा हुआ है वो कौन सा ऑप्शन हो सकता है भाई बताओ अमित सिद्धि स्वाति सौरभ अभिषेक ऋतु शमा परवीन संदीप आदित्य डन well सुरंगना सूरज प्रिया वन 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 सभी वन के साथ जा रहे हैं देखो भाई ये हो गया ट्राइंगल ठीक ये हो गया सर्किल ठीक ये हो गया स्क्वायर। कुछ इसके अलावा जरूरत है क्या नहीं एज इट इज ऑप्शन नंबर वन इसका यहां पर करेक्ट आंसर दे रखा है शाबाश गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं भाई गुड इवनिंग सभी लोगों को गुड इवनिंग इसमें देखो 600 से 60, 600 सौ से साठ दस से डिवाइड कर दिया होगा साठ से बारह फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई डिवाइड चल रहा है साफ साफ समझ में आ रहा है लेकिन कितना और उसके अकॉर्डिंगली सोलह सौ के बाद अब क्या आएगा डिवाइड करना है ना अब डिवाइड करना है कितने से डिवाइड करना है पहले 10 से डिवाइड किया फिर उसके बाद क्या कर दिया 20 से मल्टीप्लाई कर दिया फिर उसके बाद तीस तीस से डिवाइड कर दिया तो वो दस बीस तीस चल रहा है मेरे भाई दस बीस तीस चालीस और अब पचास पचास से डिवाइड कर दीजिए पचास से डिवाइड कर दीजिए बेटा बत्तीस आ जाएगा पचास से डिवाइड कर देंगे बत्तीस आ जाएगा दस बीस तीस चालीस पचास ठीक है पचास से डिवाइड कर देंगे आंसर इसका थर्टी टू आ जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री में सौरभ पांडे क्या बात हो गई भाई यस yes, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं ये देखो भाई मेरा फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता है फिगर काउंटिंग का मेरा फेवरेट क्वेश्चन फिगर काउंटिंग जरा ढूंढ के बताइए कितने ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं टोटल कितने ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं ग्यारह तेरह दस चौदह कितने ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं सभी लोग बताइए बत्तीस अच्छा बत्तीस पिछले क्वेश्चन का आंसर होगा शाबाश क्या बात है अभी देखिए सभी लोग तेरह के साथ जा रहे हैं भाई ठीक है तो देखो यहां पर ये वन ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव ये सिक्स ये सेवन ये एट ये नाइन ये टेन और ये इलेवन तो इस तरीके से ग्यारह तो हमें सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं कि छोटे छोटे जितने भी पार्ट्स थे वो ग्यारह हो गए अब कंबाइंड करके देखते हैं तो ये वाला तो हम काउंट कर ही चुके थे ये कंबाइंड है ये है ना ये एक हो जाएगा सबको मिला करके और इसी तरह इसके नीचे भी एक ये हो जाएगा ये सबको मिलाते हुए तो एक ऊपर से और एक नीचे से दो हमको और मिल गए तो दो हम इसमें और ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा ग्यारह दो तेरा हो जाएगा बच्चे करेक्ट आंसर तेरह हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री में ऑप्शन नंबर थ्री में दिया हुआ है तेरा इसका करेक्ट आंसर होगा करेक्ट आंसर इसका थर्टीन होगा होगा बिल्कुल होगा होगा यहां पर देखो एग्रीकल्चर में मौजूद लेटर से हम कौन सा वर्ड बना सकते हैं क्योंकि यहां यह भी दिया जा सकता था कि कौन सा वर्ड नहीं बना सकते तो हमें चेक करना पड़ेगा पूछा क्या गया है पूछा गया है कौन सा वर्ड बना सकते हैं कौन सा वर्ड बन सकता है एग्रीकल्चर में मौजूद लेटर से हम कौन सा वर्ड बना सकते हैं भाई देखो चेक करो लार्जेस्ट बन सकता है क्या हर लेटर का इस्तेमाल उतनी करना जितनी बार दिया गया है हर लेटर का इस्तेमाल उतनी बार ही करना जितनी बार दिया गया है, दिया गया है। चलो बेटा अगस्त एग्रीकल्चर में कहीं पर भी एस नहीं है ये नहीं बनेगा लार्जेस्ट में भी ऐसा आ रहा है ये नहीं बनेगा अब बताओ थ्री के साथ चले जा रहे हैं आप सभी लोग अच्छा जी जी आर ए टी आई जी आर ए टी आई सी यू एल ई सी यू एल ई वेरी गुड सही समझे सही पहचाना करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर थ्री है ओके अभी ग्रेचुटी नहीं बन पाता क्योंकि इसमें वाई दिया हुआ है और एग्रीकल्चर में कहीं पर भी वाई नहीं दिया हुआ था शाबाश इन चार ऑप्शन में से तीन किसी तरह सिमिलर हैं और एक अलग है वो तीन कौन से ऑप्शन हैं जिनमें सिमिलैरिटी है वो तीन कौन से ऑप्शन है बेटा जिसमें सिमिलैरिटी है बता सकते हैं वो तीन कौन से ऑप्शन है और किस तरीके से सिमिलर है तीन ऑप्शन सिमिलैरिटी लेकिन किस तरीके से वो सिमिलर हैं 548 से 105 113 से 15 166 से 73 डिफरेंसेस तो सबके अलग हो गए भाई डिफरेंसेस तो सबके अलग हो गए चलो सेकेंड के साथ ज्यादातर लोग बोल रहे हैं पहले तो एक काम करते हैं आ, नहीं आ रहा देखो भाई 548 और 105 ऑप्शन नंबर टू के साथ बच्चे लोग बोल रहे हैं चलो ठीक है देखते हैं पहले आंसर अरे वाह बिल्कुल सही आंसर है बिल्कुल सही पहचानो 113 के साथ 15 होगा लेकिन कैसे कोई तुक्का चल रहा है यहां पर हाँ कोई तुक्का या कोई कुछ भी देखो भाई इसमें क्या हो सकता है इसमें मौजूद पहले वाले नंबर में जैसे कि फाइव है 4 है और 8 है है ठीक इनका अगर हम addition कर दें या इनके स्क्वायर का सम कर दें है ना इनके स्क्वायर का सम कर देते हैं तो फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव फोर फोर सिक्सटीन एट एट सिक्स फोर सबको एड कर दो छह चार दस पांच पंद्रह छह सात आठ नौ और एक दस एक सौ पांच तो यहाँ एक सौ पांच दिया हुआ है इसी तरीके से 6, 6 और 1 है छत्तीस दो नौ बहत्तर बहत्तर और एक तिहत्तर ये देखो तिहत्तर दिया हुआ है इसी तरह छत्तीस नौ और एक दस दस छत्तीस और दस छियालीस ये देखो यहां पर नंबर्स मिल रहे हैं इधर देखिए थ्री थ्री झा नाइन और वन और वन यानी कि ग्यारह लेकिन पंद्रह दिया हुआ था सो दैट इज द रीजन कि ऑप्शन नंबर थ्री को हमने पकड़ लिया और यही हमारा आंसर हो गया था चलो यहां पे क्या करना है भाई यहां पर इस इक्वेशन को डिकोड करके सॉल्व कर देना है और कुछ भी नहीं है इस इस क्वेश्चन में इक्वेशन को डिकोड कर दो A का माइनस मतलब 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 ठीक है जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा इसमें अगर हम ए की जगह प्लस, प्लस कर देंगे C का मतलब यहां पर डिवाइड है और B का मतलब वापस से मल्टीप्लाई है D का मतलब यहां पर माइनस है तो अब इस इक्वेशन का आंसर बताओ ना जल्दी क्या रोक रहा है तुमको इस आंसर को बताने में कमौन कमोन सिक्स हंड्रेड प्लस स्टूडेंट लाइव जल्दी से जीरो आ जाएगा सभी कह रहे हैं सर शून्य आ जाएगा कुछ नहीं बचेगा सब खत्म हो जाएगा सब खत्म हो जाएगा क्या बात है बिल्कुल सही समझे

तीन स्टेटमेंट हैं, दो कंक्लूजन है जरा देखे कौन इसका आंसर कर पाएगा तीन कथन और तीन कंक्लूजन दो कंक्लूजन सॉरी मुशीर खान कोई बात नहीं चेक करना पड़ेगा कि किस रीजन से रिजेक्ट हुआ है है ना आओ देखें। कुछ डॉन नाइट हैं। कुछ डॉन इसको ब्लैक से ही करते हैं कुछ डॉन नाइट है कोई भी नाइट नून नहीं है कोई भी नाइट नून नहीं है नो डॉन इज डस्क कोई भी डॉन डस्क नहीं है कोई भी डॉन डस्क नहीं है कुछ डॉन आ, आपके नाइट हैं और कोई भी नाइट आपका नून नहीं है है ना कंक्लूजन पे आ जाओ मेरे भाई यहां पूछ रहा है सम डस्क आर नाइट कुछ डस्क डस्क क्या नाइट है dusk इधर है नाइट इधर है कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है अच्छा कुछ नून क्या डॉन है हमारे नून इधर है डॉन इधर है यहां पर भी सीधा कोई रिलेशन नहीं है ये भी कांड से पहला भी डाउटफुल दूसरा भी डाउटफुल पॉजिटिव है दोनों आ और है नहीं नन फॉलो हो जाएगा करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर फोर नाइदर वन नॉर टू फॉलोज हो जाएगा क्या बात है नाइदर वन नॉर टू फॉलोज बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर में दिया हुआ है चलो प्यारे बच्चों जल्दी से शेयर करो अभी सिक्स हंड्रेड प्लस स्टूडेंट्स मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं आ, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए कीप शेयरिंग एंड जितने भी लोगों ने लाइक नहीं किया अभी तक क्लास को फटाफट से एक बार लाइक कर देंगे है ना जल्दी से एक बार लाइक कर देंगे जितने भी लोगों ने लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दीजिए सभी लोग अगला क्वेश्चन दिखाया जाए क्या ये देखते हैं यहां क्या करना है यहां पे क्या ही करना है ये आपको चार इमेज दिए गए हैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या नंबर आएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या नंबर आएगा बताओ भाई जल्दी से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या नंबर आएगा यहां किसी तरीके से नंबर आपस में रिलेशन बना रहे होते हैं या तो इन सबका एडिशन इन सबका एडिशन एक ही, ही हो तो यहां पर भी वही अप्लाई कर देंगे या फिर अपोजिट जो नंबर हैं उनका कुछ आपस में रिलेशन हो कुछ भी हो सकता है ऑप्शन नंबर टू मुझे यहां पर बच्चे लोग आंसर करके दे रहे हैं सर ऑप्शन नंबर टू होगा आइए देख लेते हैं तो देखो यहां पर क्या है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर करिए फोर सिक्स ट्वेंटी फोर यहां पर देखिए एट थ्री ट्वेंटी फोर इन दोनों का जो मल्टीप्लाई का जो प्रोडक्ट है वो सेम आ रहा है यहां पर देखिए नाइन टू 18, एटीन नाइन टू झा एटीन सिक्स थ्रीन यहां पर भी सेम आ रहा है यहां पर फोर फोर 16, फोर फोर जा सिक्स तो नीचे भी मल्टीप्लाई करने पे सेम आ जाएगा तो एट टू जा सिक्सटीन तो यहां पर आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर वन है ना एट टू जा सिक्सटीन ऑप्शन नंबर वन ऑप्शन नंबर वन ये हमारा करेक्ट आंसर है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया तो सभी लोगों का आंसर आ गया बिल्कुल ठीक ठीक कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं डन तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए भाई 25 क्वेश्चन अपने तो देखिए कितनी जल्दी हम लोगों ने अपने 25 फाइव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं एंड बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सो परफेक्टली डन 25 क्वेश्चन एंड यस यू ऑल आर बेस्ट बहुत अच्छे से आप लोगों ने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया बहुत अच्छे से आपने पूरा आंसर किया थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच हमारे सेशन को अप्रिशिएट करने के लिए और लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच यहां पर हम बात कर लेते हैं लास्ट में जाते जाते भी एक ये देखो बेटा एस एस सी का बेसिक बैच है सभी एग्जाम तुम्हारे इसमें क्लियर हो जाएंगे एस एस सी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करता है वो सभी एग्जाम आप इस बैच को पढ़ने के बाद हंड्रेड परसेंट है कि क्वालिफाई कर ले जाओगे क्रैक कर ले जाओगे और इसी तरह बैंकिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बैंकिंग के भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई, एस नाबार्ड या और भी कोई आ, ऐसा कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो वैकेंसी निकालता है तो ये सभी एग्जाम्स भी आप इस कोर्स को पढ़ने के बाद क्वालिफाई कर ले जाएंगे इन दोनों ही बैचेस का जो प्राइस है बेटा वो है फोर ट्रिपल नाइन लेकिन इसमें आपको डिस्काउंट मिलता है जब आप ये कूपन कोड अप्लाई कर देते हो अभिनव एस सो यू विल गेट दिस कोर्स फॉर ओनली थ्री ट्रिपल नाइन थ्री ट्रिपल नाइन पे करोगे आपको यह बैच मिल जाएगा आप यह पेमेंट पार्ट में भी कर सकते हैं ठीक है दो पार्ट में भी आपका पेमेंट हो सकता है ठीक है तीन पार्ट में भी आप इसको पेमेंट कर सकते हो तो एज पर योर कन्वीनियंट तो बिल्कुल आपके कन्वीनियंट का या कन्वीनियंस का आपको ध्यान रखा गया है इसमें भी सेम वही प्राइस है सेम सब कुछ बस ये एसएससी को डेडिकेटेड है बैच और पहले जो मैंने आपको दिखाया वो बैंकिंग के लिए तो मेरे भाई अभी के लिए फिलहाल विदा लेंगे मैं स्कोर्स देख रहा हूं यहां पर लोगों के ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहे हैं आप सभी लोग अपने अपने स्कोर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो ठीक है कौन सा क्वेश्चन ऐसा जो आपको सबसे अच्छा लगा कौन सा क्वेश्चन ऐसा जिसमें आपका आंसर गलत हो गया वो कौन से ऑप्शन हुई ये सब आप मुझे वहां पर बता सकते हैं ओके चलिए बाय बाय टेक केयर थैंक्स फॉर वाचिंग अपना ख्याल रखिए घर पर रहिए सेफ रहिए हेल्दी रहिए और सभी लोग एक बार जाते जाते भी लाइक कर दीजिएगा क्लास को और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा मिलते हैं कल या आफ्टर संडे uh, आ जाएगा अभी तो देखते हैं मंडे से वापस से रेगुलर क्लास होगी आपकी ठीक है मंडे से वापस से रेगुलर क्लास होगी संडे को हम लोग क्या कर रहे हैं क्लास आपको पता है ना संडे को क्या चल रहा इसको है इसको हटा देते हैं भाई जरा भाई संडे को हमारा एक क्लास हो रहा है महायुद्ध करके ठीक है संडे को हमारा एक क्लास हो रहा है यूट्यूब पर महायुद्ध करके आप लोगों को उसको क्या कर लेना है भाई ये देखो यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं ठीक है चलो एक काम करते हैं टेस्ट बुक सर्च करते हैं यहाँ पर ठीक है टेस्ट बुक आ जाओ भाई टेस्ट बुक ओके okay, तो देखो टेस्ट बुक पे जाओ और यहाँ 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 ये यह देखो अपकमिंग लाइव स्ट्रीम्स अपकमिंग लाइव स्ट्रीम तो कहाँ गया भाई आगे है क्या ये रहा नहीं ये वाला नहीं है अच्छा चलो अभी इसमें शायद शो नहीं कर रहा है अपकमिंग लाइव स्ट्रीम आना चाहिए भाई चलो अभी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है खैर दिखना तो चाहिए एक बार चेक कर लेते दरा 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 दरा। चलो कोई बात नहीं अभी इसमें शो नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद इसमें शो करने लगेगा तो 10 बजे से आ, महा क्लास होगा आप लोगों का महा रिवीजन क्लास जो कि स्टार्ट होगा जीके से फिर उसके बाद 12 बजे से मेरा क्लास होगा तो 12 बजे संडे को मेरे साथ जुड़िएगा ठीक है 12 बजे संडे को मेरे साथ जुड़िएगा ठीक है सभी लोग तो मिलते हैं फिर बाय टेक केयर थैंक्स फॉर वाचिंग अपना ख्याल रखना और रीजनिंग मतलब ए एस आर ठीक है ध्यान से रीजनिंग मतलब कॉमेंट करके बताओ